तो ये है हमारा डे सिक्स ऑफ जावा प्रोग्राम चैलेंज। एंड आपको पता है कि जब भी हमें किसी कंडीशन के बेस पे अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना पड़ता है तो हम यहाँ पे इफ एल्स ब्लॉक का यूज करते हैं। अब मान लो कि मेरे पास मल्टीपल कंडीशंस है, तो यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से एल्स इफ ब्लॉक का यूज किया। अब जो भी कंडीशन मेरी सेटिस्फाई होगी उसका जो रिलेटेड कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, राइट। अब इसी का ही कुछ अच्छा सा ऑल्टरनेटिव वे क्या होता है, वो है हमारा स्विच स्टेटमेंट। तो इसका सिंटेक्स जो है वो कुछ इस तरीके से है। तो सबसे पहले आप लिखोगे स्विच एंड इस ब्लॉक के अंदर आप क्या करोगे, अपने केसेस बनाओगे, ठीक है। तो मान लो कि सबसे पहला केस जो बनेगा मेरा, उस केस के अंदर मैं क्या करूंगा, मेरी पहली स्टेटमेंट को प्रिंट कर दूंगा। एंड हर एक स्टेटमेंट के प्रिंट होने के बाद आपको ब्रेक कीवर्ड का यूज करना है, सो दैट आपका जो पूरा फ्लो है वो वहीं से ही ब्रेक हो जाए। सिमिलरली हम ऐसे ही अपने मल्टीपल केसेस बनाएंगे। अब बेसिकली स्विच फंक्शन के अंदर आपको एक पैरामीटर पास करना है, जो पैरामीटर आगे जाके मेरे केसेस के साथ मैच होगा, ठीक है। तो इस केस में यहाँ पे मैंने डे वेरिएबल बनाया इन टाइप का, तो मैं इसको पास कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने 7 केसेस बनाए हैं मेरे हर डे को प्रिंट करने के लिए, ठीक है। तो प्रोग्राम क्या रन होगा, हमारे डे में क्या स्टोर है 4, एंड ये मेरे 4th केस से मैच होगा और मुझे फाइनली क्या प्रिंट करेगा, थर्सडे, ठीक है। अब इस प्रोग्राम को सेव करके रन करते हैं, एंड जैसे ही मैं इसको रन करूंगा आप देखो मेरा आउटपुट क्या आ गया, थर्सडे।